फूडीज, वेलकम टू आशिमास किचन। आज इवनिंग में आपके घर पार्टी है, आपको एक क्विक एपेटाइजर बनाना है, यू आर एट द राइट प्लेस। आज की मेरी रेसिपी बच्चों की तो फेवरेट है ही है, इसको बड़े लोग भी बहुत खुश होकर खाते हैं। ये है एक बहुत ही फेमस इंडियन चाइनीज डिश जो कि लगभग हर फंक्शन में बनाई जाती है, बट इसकी होम कुकिंग रेसिपी बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी हनी चिली पटैटो। ये रेसिपी जितनी सिंपल है उतनी ही डिलीशियस है। योर टेस्ट बड्स वुड बी लाइक ओह माय गॉड। इस वीडियो का आप एंड तक जरूर देखना और इसको बनाने का ट्राई जरूर करना, एंड अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल आशिमास किचन एंड हिट द बेल आइकन बिलो सो दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट कुकिंग। सबसे पहले लेंगे हम 4 मीडियम साइज आलू, नॉट वेरी बिग नॉट वेरी स्मॉल। इनको हम पील करेंगे। अपने चॉप पटेटो को हम पानी में रखेंगे ताकि ऑक्सीडाइज ना हो और काले ना पड़े। बॉईल करने के लिए मीडियम फ्लेम पे अपने पैन को रखेंगे। उसके अंदर ऐड करेंगे 4 कप्स ऑफ वाटर। इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सॉल्ट, चॉप पटेटो। इसको एक बॉईल देंगे। अब हम इसको गरम करेंगे जब तक इसके अंदर एक बॉईल ना आ जाए। आलू अब हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको स्टेन कर लेंगे यानी कि छान लेंगे। अब हम अपने किचन टावल को यूज़ करेंगे ताकि हमारे पटैटो का मॉइस्चर ये किचन टावल सोख ले। किचन टावल के अलावा आप कॉटन क्लोथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अब हम अच्छे से हल्के हाथों से डैप करेंगे। हमारे बॉइल पटैटो को अब हम एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लार, और डालेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून राइस फ्लार यानी कि चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एज अ ड्राई कोट ऑन आर पटैटोज। इस स्टेप का फ़ायदा ये है कि हमारी नेक्स्ट गीली वाली कोटिंग होगी जो वो इन पटैटो पे ईजिली चिपक जाएगी। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी अच्छे से लाइट कोटिंग हो चुकी है मैदे की और राइस फ्लार। बॉइल पटैटो हमारे रेडी हैं। अब हम इसकी सेकेंड कोटिंग बनाते हैं। उसके लिए लेंगे हम एक मिक्सिंग बोल। उसमें ऐड करेंगे 1/4 कप मैदा यानी कि 4 बड़े चम्मच मैदा। उतना ही इसमें राइस फ्लार ऐड करेंगे यानी कि 4 बड़े चम्मच। अगेन अगर आपके पास राइस फ्लार नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे और इसका एक गाढ़ा बैटर बना लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी हमारी ठीक है। अब हम इसके अंदर अपने बॉइल्ड आलू डालेंगे जो हमने पहले प्रिपेयर किए थे, और फिर हाथों से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसके ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए। पटैटो के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो चुकी है, अब हमें इनको फ्राई करना है। हमारा तेल अभी गर्म हो रहा है। इन द मीन वाइल हम अपनी वेजिटेबल्स चॉप कर लेते हैं। हम गार्लिक की 4-5 कलियां लेंगे और इसको फाइन चॉप कर लेंगे। मैंने ग्रीन कैप्सिकम और रेड कैप्सिकम दोनों लिए हैं ताकि हमारी सॉस का जो कलर है अच्छा है। कैप्सिकम को हमें क्यूब्स में कट करना है, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली हम इसमें कट्स लगाएंगे। इससे हमारी कैप्सिकम की शेप बहुत अच्छी आएगी। कैप्सिकम की तरह अनियन को भी हम क्यूब्स में कट करेंगे। अब हम इसकी लेयर्स को अलग कर लेंगे। अबाउट 1 इंच लंबे अदरक के पीस को हम कट करेंगे। इसको भी हम वैसे ही फाइनली चॉप कर लेंगे जैसे हमने गार्लिक को किया था। ग्रीन चिली को अब हम स्लाइसेस में कट करेंगे। उसी तरह से हम अपने स्प्रिंग अनियंस को भी चॉप कर लेंगे। स्प्रिंग अनियंस हमारी सॉस में भी डालेंगे और ये हमें गार्निशिंग में भी यूज होंगे। वेजिटेबल्स हमारी कट के तैयार है। अब हम अपनी सॉस बनाते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपनी पोटैटो स्टिक्स डालेंगे और इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। इसको हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसको आप देख सकते हैं इनका लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसको अपने ऑयल से निकाल देंगे। इनको हम ऐसे भी खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं,
एक तरह से फ्रेंच फ्राइज जैसे बन चुके हैं। फ्राई होने के बाद इसकी आवाज से ही पता लग रहा है कि ये कितने क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। पोटैटो हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम एक पैन में अपने सेसमे सीड्स को रोस्ट करेंगे। तिल हमारे तैयार है, अब हम पोटैटो को डबल फ्राई करेंगे। आलू को गरम तेल में डालकर कंटिन्यूअसली एक मिनट चलाएंगे। इस प्रोसेस को फ्लैश फ्राई बोलते हैं। इससे हमारे पोटैटो सुपर क्रिस्पी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे पोटैटो सेकंड फ्राई होने के बाद कितने क्रिस्पी हो गए हैं। चिली पोटैटो की सॉस के लिए मैंने पैन रखा है मीडियम फ्लेम में। अब इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर डालेंगे हम अपना गार्लिक, जिंजर एंड ग्रीन चिली। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून रॉ तिल। अच्छी खुशबू आ रही है, लहसुन अदरक और मिर्च हमारी पक चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारे चॉप्ड अनियंस। चॉप्ड कैप्सिकम, फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कैप्सिकम और अनियन हमारे क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून शुगर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हमारी चाइनीज डिश है तो हमें वेजिटेबल को ज़्यादा नहीं पकाना, इसकी क्रिस्पीनेस को रखना है, तो जल्दी ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच चिली सॉस। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून केचप, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 1/2 कप पानी डालेंगे। जब तक ये पक रहा है, इन द मीन वाइल हम इसकी स्लरी बना लेते हैं। स्लरी बनाने के लिए मैंने एक बाउल के अंदर 1 बड़ा चम्मच कॉर्नस्टार्च लिया है। इसके अंदर मैं धीरे धीरे पानी ऐड करूंगी। इसे हमें लिक्विड ही बनाना है, अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि इसके अंदर लम्स ना आए। स्लरी हमारी बनके तैयार है, इसको हम अपनी सॉस में डालते हैं ताकि हमारी सॉस थोड़ी थिक हो जाए। मिक्स कर लूंगी। ये काफ़ी कंसिस्टेंट लग रहा है, ये प्रिपेयर हो चुका है। अब अपनी फ्लेम को बंद कर देंगे। स्प्रिंकल करेंगे अपने स्प्रिंग अनियंस, इसके अंदर अपने पोटैटो को हम डाल देंगे। हमें इसको इस तरीके से मिक्स करना है कि हमारी सॉस की कोटिंग इसके ऊपर इवनली आ जाए। लास्टली इसके ऊपर पोर करेंगे अब हम हनी। हनी चिली पोटैटो हमारे बनके तैयार है। इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसका कलर तो बहुत अच्छा लग ही रहा है, जैसा आप देख सकते हैं। हनी चिली पोटैटो हमारे बनके तैयार है। आइए हम टेस्ट करते हैं कि ये बने कैसे हैं। ये बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल बने हैं। इसके ऊपर जो कोटिंग हुई है बहुत ही ग्लॉसी और बहुत ही यमी दिख रही है। ये बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल बने हैं और इसके अंदर जो नटी फ्लेवर आ रहा है इसमें सीड्स का, बहुत अच्छा लग रहा है। I don't know how you can resist yourself from not making this. This is yummylicious. ऐसे ही मैंने और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने चैनल पे डाली हैं आशिमास किचन। Guys, go watch them. And if you like the videos, please do not forget to subscribe my channel and hit the bell icon below. See you in my next video very soon. Until then, take care and goodbye.